इसका मतलब मेरे जिन होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें पता होता कि महल में जिस जुनैद से वो मिलती है वो उनका जिनू है, वो बहुत खुश हो जाती है। भाई मैं तुम्हें आका नहीं कह सकता, इसलिए लगता है मुझे चिढ़ाने के लिए कोई तुम्हें आका कह रहा है। हा? अरे भाई भाई तुम्हारा पैगाम मिलते ही हम चले आए। क्या हुआ आका? आका क्या काम था बताइए। अरे बताइए ना आका, बताइए ना। इसलिए आका ये तो जीनू है। टोली जीनू वापस आ गया। अरे बस 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 बस, तुम लोग तो ऐसे एक दूसरे से गले मिल रहे हो जैसे आज ईद हो। अरे मेरे भाई आज तो ईद से भी बड़ा दिन है मेरे भाई। झुमरू तुम एक बहुत अच्छे नौकर हो, तुमने मेरे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, शुक्रिया। छोटे अपने इन रिश्तों को अंगूठी के इस चिन्ह से बचा सकता है तो बचा लेना। अंगूठी छाप? भाई अंगूठी छाप? भाई ये जरूर जफर की चाल है। मैं इसके आका को तो बाद में, पहले इस गुलाम को खत्म करूंगा। अंगूठी छाप? मैं तुझे मूली की तरह काट दूंगा। मेरा मतलब है कि अंगूठी छाप को कुछ मत करो, अंगूठी छाप हमारी तरफ है। वो बदल गया, अब वो जफर की तरफ नहीं, हम सबके साथ है। बल्कि तुम्हें वापस लाने में इसने मेरी मदद भी की है। उससे मैं तो मुंह फुला लेता है तो और भी प्यारा लगता है छोटे, लेकिन तेरा गुस्सा जायज है। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। जफर के साथ मिलकर मैंने तुझे आका और अम्मी से जुदा करने का गुनाह भी मैंने ही किया है। पता नहीं किस मुंह से तुझसे माफी मांगू। अब एक ही मुंह दिया है, मांग लो माफी उसी से। वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूं छोटे। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, आज ईद है, दिलों की ईद। मैं ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मेरे दोनों भाई मिल गए। सारा जी, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, जा जा। मेरे आंखों का तारा, मेरा मतलब सारा जी, मैंने आज तक आपसे ये हकीकत छुपा के रखी, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ एक शर्त पर। जी? अगर आप मुझे माफ कर दें तो। अब मगर किस बात के लिए मैं आपको माफ करूँ? गुल्लू तुम? नहीं, मैं तो इंसान हूँ, मैं जिन नहीं हूँ। कमाल है भाई, यहाँ पे तो लोगों ने सिर्फ जिन का नाम सुना है, तुम्हारे पास एक नहीं चार चार जिन। कमाल है, आप भी जिन, मैं भी जिन, हम सब जिन। आपको देख के मेरा दिल हुआ 9-2-11 जी, मेरा मतलब है सारा जी। अरे हाँ, इन सब बातों में मैं ये पूछना तो भूल गया कि प्यारी परेशानी जी कहाँ है? शहज़ादी, हमने माफीनामे का बक्सा नजर नियाज के चबूतरे पर रख दिया है और आवाम के लिए खाना भी लगवा दिया। अब हम चलें। खाना लगवा दिया, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई वजीर आला। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ आप मेहमान नहीं मेजबान हैं, तो मेहमान जब तक खाना नहीं खा लेता, मेजबान की जिम्मेदारी तब तक पूरी नहीं होती है। इन पटीचरों की खिदमत हम करेंगे। क्या कहा आपने? देखिए, ये कहना सुनना छोड़िए, आप जाइए और खाना परोसिए। आवाम की दुआएं कमाने का इससे अच्छा और मौका कोई नहीं है वजीर आला। जाइए जाइए, खाना परोसिए। जी, क्या ख्याल है आप? माशाअल्लाह। एक बार बस इससे नजर हटाई तो ये कमीना यहाँ से बाहर जाने की जरूर कोशिश करेगा। मैं यहीं रुकना होगा। ले लीजिए, 200 बुक्कड़ो जी भर के ठूसो। ये तुम सब की आखिरी दावत है, क्योंकि हम भले ही सोन मीनार तक नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारा जिन पहुंच गया। जल्द ही तुम सब देखोगे ये दुआ, माफी, गाना, जाना, ये सब कुछ तुम्हें हमारे कहर से नहीं बचा सकता। खतरा बोल से हम टोली और अलादीन से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं उसने सबको अपने पुराने घर क्यों बुलाया होगा। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। शेख जिनू सोन मीनार तो नहीं पहुंच गए। हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। साथी नजर नहीं आ रही। राज कायनात के दूसरे दरवाजे हम आ रहे हैं। काली चो प्यारी परेशानी जी। हम आपको देख के इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि बता ही नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है ना शहजादी। आज सबका यही हाल है। आज मुझे सब कुछ मिल गया और इसकी वजह तुम सब हो। नक्चड़ी, टोली, गुल्लू, जिन्हें तो मुझे आज मिला है, क्योंकि मेरा अच्छा वक्त तभी शुरू हो गया जब तुम सब मिले थे। मैं जानता हूं तुम लोग मुझे शुक्रिया तो नहीं कहने दोगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, तुम सब मेरी हिम्मत, मेरी ताकत और मेरे अपने हो। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। खाली चोर अगर इस लम्बे में किसी की कमी है तो बस अम्मी की। हाँ तो बस इतनी सी बात। तो चलो अम्मी के पास चलते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम बेगुनाह हो, जिंदा हो और मैं वापस आ गया। नहीं जिनू। क्यों? तुम्हारी शान और तुम्हारी मोहब्बत अब दोनों हमारे हाथों में है। अब अगर तुम चाहो तो इनकी जान बचा सकते हो। तुम फौरन बगदाद छोड़ के चले जाओ। कसम खुदा की हम उन्हें छोड़ देंगे। अम्मी मैं आज अभी हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा, लेकिन तुम इन दोनों के साथ कुछ नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अगर हमने उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश की तो अम्मी की जान को खतरा हो सकता है और नक्चड़ी की भी। तुम उस कमीने ज़फर से डर रहे हो? अरे मेरे सामने वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो अम्मी के पास पहुंच भी नहीं पाएगा और मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन तुम क्या करोगे मेरे भाई? जिनू अब भी तुम उसके जिन हो और वो तुम्हारा आका है। तुम्हारा चिराग अब भी उसके पास है, तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। मतलब मैं अम्मी से ये नहीं कह सकता कि मैं वापस आ गया हूँ। मैं अपनी अम्मी को गले नहीं लगा सकता। मैं उन्हें ये नहीं बता सकता कि मैं कोई जुनैद बुनैद नहीं, बल्कि उनका बेटा जीनू। बता सकते और थोड़े वक्त बाद, अभी नहीं। पर जीनू देखो, मैंने भी अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया। थोड़ा सब्र रखो, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। मेरे पास नक्चड़ी है, मेरी टोली है, अब तो मेरा भाई भी मेरे साथ है। अब बस मुझे चिराग मिल जाए, सफर पूरी तरह से हार जाएगा। फिर हम दोनों जी भर के अम्मी को गले लगाएंगे। लेकिन उससे पहले नहीं मेरे भाई। लेकिन एक दिक्कत है, अम्मी ने हमारे लिए रोजा रखा है और अब तो दुआ पूरी हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि अम्मी हम दोनों को याद कर रही होंगी और उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। बस इतनी सी बात। अगर अम्मी ने रोजा हम दोनों के लिए रखा है तो हम दोनों ही अपनी अम्मी को खाना खिलाएंगे। मैंने कभी ना सीखा, चीखे कई पर मुझसा कोई ना चीखा। अब तक मैं बोतल में बंद थी, पर अब मैं सबकी बोलती बंद कर दूंगी। सब लोग मुझे सताते थे, अब मैं उन सब लोगों को सताऊंगी। आज तक मेरा इस्तेमाल करके लोग अपना बदला लेते थे, अब मैं इस दुनिया से अपना बदला लूंगी। मकड़ी उड़ी उड़ जो चली। इतना सन्नाटा, मैं अपनी चीखें सुन सुनकर उब चुकी हूं। अब मुझे इंसानों की चीखें सुननी है। चमकती हुई चीज सोना ही तो होती है। चीख मेरी ताकत है और सोना सोना मेरी कमजोरी। सोना चमकता हुआ सोना। शहजादी। हाँ, आइए आइए आइए। अम्मी आदाब। आदाब। शहजादी आपने बुलाया? खाला, हम एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके हैं जिससे सिर्फ आप हमें निकाल सकती हैं। हुक्म कीजिए। वजीर आला के भाई जुनैद, उन्होंने रोजाई माफी रखा था। चांद निकल आया है, दुआ पूरी हो गई है, लेकिन अब वो कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी अम्मी जान की बहुत याद आ रही है खाला, और वो कह रहे हैं जब तक अपनी अम्मी के हाथ का शीर कोरमा नहीं खा लेते तब तक वो रोजा नहीं खोलेंगे। पर शहजादी, इसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? अब खाला, आप उनकी अम्मी की जगह उनके लिए शीर कोरमा बना सकती है। जो हुक्म शहजादी, पर मैं किसी की अम्मी की बराबरी कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि आप माँ हैं, और हर माँ इंसान की शक्ल में उस खुदा की इनायत होती है। चाची जान, आप एक काम करिए, आप शीर कोरमा बनाइए ऐसे कि जैसे आप अपने बेटे के लिए बना रही हैं, और जुनैद जी शीर कोरमा ऐसे खाएंगे जैसे उनकी माँ ने उनके लिए बनाया। ठीक है? अगर ऐसा है तो मैं अभी शीर कोरमा बना देती हूँ।